दोस्तों स्मार्टफोन मार्केट में आपको अलग अलग प्राइस रेंज के अलग अलग स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं और हर कोई अपने बजट के हिसाब से स्मार्टफोन यूज करता है। लेकिन इन स्मार्टफोन में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं डिस्प्ले का, और ये डिस्प्ले क्या है, कैसे कैसे टाइप के डिस्प्ले अवेलेबल है मार्केट में, उन डिस्प्लेस को हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं और इससे आपको पता चलेगा कि आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उसमें डिस्प्ले किस टाइप का लगा हुआ है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होने वाले डिस्प्ले में आता है पहले नंबर पे LCD डिस्प्ले, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या है कि LCD डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल का यूज करती है इमेज डिस्प्ले करने के लिए, और साथ ही इसके पीछे में रहता है बैक लाइट, यानी लाइट के थ्रू फोकस करके लिक्विड क्रिस्टल पर आपका विजुअल दिखता है आपके डिस्प्ले पर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें ब्लैक कलर जो है, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल को बैक लाइट से आपका लाइट दिया जाता है जिसके वजह से हमको डिस्प्ले में इमेजेस दिखती हैं, तो लाइट की वजह से जो ब्लैक कलर है वो एक्यूरेट हमको देखने को नहीं मिल पाता है। दोस्तों आपको LCD डिस्प्ले में दो टाइप के LCD डिस्प्ले देखने को मिलेंगे। पहला है आपका TFT LCD डिस्प्ले, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LCD डिस्प्ले। ये ज़्यादातर आपके बजट स्मार्टफोन्स में रहते हैं, जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स में रहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है IPS LCD डिस्प्ले, यानी कि इन प्लेन स्विचिंग LCD डिस्प्ले। इस डिस्प्ले की खासियत यह है कि ये वाइड एंगल को थोड़ा सपोर्ट करता है और TFT LCD डिस्प्ले से थोड़ा सा बेटर रहता है। दोस्तों अगला डिस्प्ले का जो टाइप है वो है OLED, यानी कि ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इस तरीके के जो डिस्प्ले रहते हैं उसको बैक लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ऑर्गेनिक ये इमिटिंग डायोड लगे रहते हैं जिसके वजह से वो लाइट अप होते रहते हैं जब उसमें करंट का फ्लो होता है कुछ भी विजुअल दिखाने के लिए। तो इसमें क्या है, आपको बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है और ये पावर एफिशिएंसी भी होता है कंपेयरिंग टू LCD डिस्प्ले। दोस्तों OLED डिस्प्ले को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका AMOLED डिस्प्ले, यानी कि एक्टिव मैट्रिक्स OLED डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले क्या है कि एक पिक्सल को अच्छे से कलराइज करता है, मतलब ये काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू LCD। और दूसरा है आपका POLED। तो POLED क्या है कि आपका प्लास्टिक OLED होता है जो कि आपके फोल्डेबल या फिर कर्व जो स्मार्टफोन रहते हैं उसमें यूज किया जाता है। अब दोस्तों जो अगला हमारा स्मार्टफोन डिस्प्ले है वो है सुपर AMOLED। सुपर AMOLED यानी AMOLED का जो है एडवांस वर्जन है ये वाला डिस्प्ले। इसमें आपको टच सेंसर भी देखने को मिलता है और साथ में आउटडोर परफॉर्मेंस इस डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा है, यानी आउटडोर में भी इसकी विजिबिलिटी, इसके कलर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। अब दोस्तों जो अगला डिस्प्ले हम बात कर रहे हैं वो है रेटिना डिस्प्ले, जो कि स्पेशली आईफोन में लगा हुआ होता है। इसका पर्पस ये है कि इसमें हाई डेंसिटी के पिक्सल लगे होते हैं ताकि जो व्यूअर है उसको थोड़ी डिस्टेंस पर भी एक अच्छा विजुअल, एक अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट, एक कलर वाइब्रेंट अच्छे से देखने को मिले, जो कि स्पेशली आपकी आईफोन वाले डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगला जो आपका डिस्प्ले है वो है हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, यानी कि इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी हाई रहता है, यानी कि 60Hz से ऊपर का ही देखने को मिलेगा, 90-120Hz। इसमें क्या है कि ये डिस्प्ले काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते हैं और काफ़ी स्मूथली आपका रिफ्रेश रेट तो इसमें चेंज होता रहता है, जिससे विजुअल क्या है काफ़ी अच्छे आते रहते हैं। और दोस्तों हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है आपका डायनेमिक रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। इस टाइप के डिस्प्ले में ये होता है कि डायनेमिक होता है, यानी जहां आपको जरूरत है कुछ डायनेमिक कंटेंट वहां आपके मोबाइल पर विजुअल हो रहे हैं तब ये रिफ्रेश रेट को बढ़ा देता है, और जहां पर नॉर्मल है वहां पर वो नॉर्मली रिफ्रेश रेट को रखता है ताकि आपका पावर कंजम्पशन थोड़ा कम हो और बैटरी अच्छे से इफिशियंट हो। तो दोस्तों ये थे टोटल हमारे जितने भी टाइप के डिस्प्ले अभी मार्केट में अवेलेबल है। इसी को अलग अलग तरीके से HD+, Full HD+, IPS ये सब नाम के साथ बेचा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे टाइप के डिस्प्ले है और उसके आपके प्रॉस और कॉन्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक वीडियो को एक लाइक कर देना यार, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए टेक्यापा कंटेंट के साथ। बाय।